हेलो व्यूअर्स, मैं हूं बिग ब्लॉक। आप देख रहे हैं ये बी एक ब्लॉक पेटर टू हिंदी यूट्यूब चैनल। आज आ गया है नया वीडियो लेके। ये पीछे जो होना दादा खड़ा है, पहला वीडियो में देखा है, ठीक है। और भी स्टॉक आया है दादा के पास, दादा उनको बुलाया, ठीक है। ये दादा से बात करके जान लेंगे क्या क्या स्टॉक अवेलेबल है। दादा पहला बोलिए कैसे? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हम और व्यूअर्स तो बहुत अच्छा है। आपका जो पहले वीडियो में रिस्पॉन्स कैसे आया था? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत बैंगलोर मुंबई बहुत जगह से बहुत रिस्पॉन्स आया, बहुत जन लिया भी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। वेरी मच हैप्पी विद इट। अच्छा, अभी आज क्या क्या स्टॉक दिखाई देगा? आज मैं आपको चना का कुछ अच्छा वैरायटीज दिखाऊंगा। एक चना एंड्राओ है, उसका बहुत ही स्पेशल साइज एंड क्वालिटी में आया है। ये ऐसा क्वालिटी रेगुलर क्वालिटी नहीं है, हमेशा नहीं आता ये क्वालिटी, बहुत ही स्पेशल साइज एंड क्वालिटी में आया है, वो दिखाऊंगा। एंड गोल्ड फिश में आज आपको कुछ दिखाऊंगा, जो भी जो बहुत ही सुपर क्वालिटी का गोल्ड फिश रहेगा, इम्पोर्टेड पूरा आई मीन कम्प्लीटली इम्पोर्टेड रहता है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, पैचे है, बाई कलर है, जम्बोस गोल्ड फिश, ऑल जम्बोस। अच्छा, व्यूअर्स आपको नाम जानता है और एक बार नाम भी बोल दीजिए। मेरा नाम चिरंजीत रॉय है। अच्छा। और आपको अगर एड्रेस के लिए जानना है तो इधर आप पालीगंज स्टेशन या फिर रूबी एक्ट्रोपोलिस मॉल का कोई भी बस पकड़ सकते हैं, इधर से मेरा घर सिर्फ 1-2 मिनट का डिस्टेंस। फोन नंबर बोल दीजिएगा। मेरा फोन नंबर है 6291407622। ठीक है व्यूअर्स, ये वीडियो पूरा देखना बिना स्किप करके। उम्मीद है आप ये वीडियो पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल में आना तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, नया वीडियो का अपडेट पाने के लिए। ठीक है व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग। दादा ये कौन सी चना है दादा? ये चना एंड्राओ का एक स्पेशल ग्रेड है। ये जनरली इतना ब्राइट आता नहीं है, लेकिन इस बार का जो स्टॉक है ये बहुत ही कलरफुल आया है। आप देख सकते हैं इसका फिन्स एंड शेप एंड बॉडी कलर, बहुत ही यूनिक पैटर्न एंड बहुत ही कलरफुल में आया है। एंड ये अभी जो टैंक में है, ये टैंक आपका 8 इंच बाई 12 इंच का टैंक है, छोटा एकदम टैंक है। 8 इंच बाई 12 इंच का टैंक में प्रॉपर स्केपिंग करके रखा हुआ है ये। अच्छा, ये मेल फीमेल का दोनों पेयर है। ये ऐसा बहुत सारा चना है मेरे पास, अभी बहुत स्टॉक में है, किसी को लगेगा तो मिल जाएगा। ये अभी पेयर जस्ट फॉर आप लोगों को इसका क्वालिटी क्या होता है वो दिखाने के लिए मैं अभी इस सेटअप किया। इसका साइज क्या आएगा दादा? ये 3 इंच से 4 इंच का साइज में आता है, ये ड्वार्फ कैटेगरी में आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है ये। अच्छा, छोटा टैंक में आप स्किप करके इजिली रख सकते हैं। अच्छा, इसका रिटेल प्राइसिंग क्या आएगा? इसका रिटेल प्राइस आपका 450 to 500 रहता है, इसका डिपेंडिंग ऑन द साइज। अच्छा, 450 प्राइस आपका पेयर का ना, सिंगल पीस का? नहीं, सिंगल पीस का रहता है, सिंगल पीस का। ये चना बहुत जन सोचता है कि चना कोल्ड वाटर स्पीसीज है, लेकिन सब चना कोल्ड वाटर स्पीसीज नहीं रहता है। कुछ कुछ चना जैसे एडिस्टोनी हो गया, आपका पैडालिस हो गया, बिपोली, ये सब कोल्ड वाटर रहता है। जैसे ये चना एंड्राओ, ये आपका कोई भी टेम्परेचर वेदर में रहता है, ठंडी का टाइम में भी इसको कोई प्रॉब्लम होता है। अभी जो विंटर आ रहा है आपका, बहुत जन अभी मछली नहीं लेना चाहता है, लेकिन स्नेक हेड्स आप इजीली रख सकते हो, इसको विंटर में कोई परेशानी नहीं होता है। ये विंटर में बहुत ही अच्छा रहता है, इसका विंटर में बहुत ही कलर शो करता है, इसको कोई परेशानी नहीं होता है। गर्मी में भी ये जो स्पीसीज है इसको कोई भी परेशानी नहीं होता है इसका। अच्छा, इसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना आता है, कितना डिग्री में सही रहता है चना? ये आप 28 to 32 डिग्री में भी रह सकता है, उसके नीचे 26-25 में भी रह सकता है, ये बहुत ही हार्डी फिश रहता है। अच्छा। अगर आपका चना टैंक से कभी कूद के जंप कर जाता है तो आपका घर का एक राउंड मार लेगा, फिर भी ये जिंदा रहता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। अच्छा, बहुत ही हार्डी फिश। बिलो 20 डिग्री में कोई प्रॉब्लम आता है क्या फिश का? बिलो 20 डिग्री में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, सिर्फ इसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है, थोड़ा खाना कम खाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है इसका। एंड इट इज़ वेरी ईजी टू मेंटेन, ये आप छोटा किसी भी टैंक में रह सकते हैं, कोई भी छोटा टैंक और कम्युनिटी में, कुछ भी आपका ज़्यादा बड़ा फिश नहीं है उसमें, कम्युनिटी में आप 1-2 ड्रिफ्ट फुट के साथ भी उसको रख सकते हैं, उसको थोड़ा हाइडिंग, उसको थोड़ा छुपने का जगह चाहिए, उसके साथ आप ईजिली रख सकते हैं। अच्छा, इसका एयरेशन कितना, ऑक्सीजन कितना चाहिए, मतलब हाई ऑक्सीजन या लो ऑक्सीजन? नहीं, चना का बात क्या है ना, ये आपका डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन लेता है, ये वाटर से ऑक्सीजन नहीं लेता है, तो आप इसको ऑक्सीजन दीजिए, पंप को दीजिए, फिल्ट्रेशन दीजिए, ना दीजिए, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली जस्ट लाइक बीटा डायरेक्टली एयर से ऑक्सीजन लेता है,
आपका टैंक का पानी से नहीं लेता है कोई भी स्नेकेड एक्सेप्ट गोलम छोड़ के, कोई भी स्नेकेड आप डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन लेता है, तो आपका इसका कोई फिल्ट्रेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, थैंक यू दादा मेरे को और व्यूअर्स को टाइम देने के लिए। ये दादा कौन सी चना है दादा? ये चना एंड्रॉ ही है, आप जो टैंक में देखे थे ना, तो वही है। ये सिर्फ अभी कम्युनिटी में है, अब जब इसको अच्छे से रखेंगे ये और भी कलर शो करेगा। ये जितना अच्छे से रखेंगे ये उतना कलर शो करेगा आपका। ये अभी सब कम्युनिटी में है, बहुत पीसेस है, बहुत पीस इधर भरा पूरा है, बहुत सारा क्वांटिटी बहुत है स्टॉक में, बहुत पीस है। अच्छा, इसका साइज क्या आएगा दादा? ये सब 3 इंच से आएगा, 3 इंच से आपका 5 इंच वैसा तक आएगा, 3 इंच से 5 इंच। अच्छा, इसका प्राइस क्या आएगा दादा रिटेल में? इसका प्राइस रिटेल में आपका 450 to 500 वैसा आएगा, 400, 450, 500 ऐसे ही आएगा। साइज में डिपेंड करता है, साइज छोटा रहेगा तो थोड़ा कम रहता है, साइज बड़ा रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा लगता है। अच्छा, कोई मेरा चैनल से आएगा तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा आपसे? हाँ ज़रूर ज़रूर, आपका चैनल से आएगा तो ज़रूर डिस्काउंट मिलेगा। आपका चैनल से अगर कोई बोलेगा बी एन फिश फार्म देख के मुझे आपका कॉन्टैक्ट मिला तो मैं उसको ज़रूर डिस्काउंट दूँगा। ये दादा कौन सी मछली है दादा? ये सुकाटियो एंड बालीटोरा है, पिछले बार भी आप देखे थे सुकाटियो बालीटोरा, लेकिन तब स्टॉक कम था, स्टॉक खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, अभी पूरा स्टॉक भरा हुआ है सुकाटियो बालीटोरा का। ये बेस्ट एल्गी ईटर है आपका, ऑटो सिंकलस या फिर सियामिस एल्गी ईटर से बहुत अच्छा ज़्यादा एल्गी खाता है एंड द प्राइस इज मच लेस। आपका ये बहुत ही सस्ता होता है ऑटो सिंकलस एंड सियामिस के कंपेरिजन में, और आपका बहुत ही ज़्यादा एल्गी खाता है, बहुत ही ज़्यादा। बेसिकली सुकाटियो जो है, सुकाटियो आपका लीफ में जो एल्गी रहता है, बीबीए हो गया, हेयर एल्गी हो गया, देन आपका जो भी एल्गी है स्टैगन हो गया, जो भी एल्गी होता है ये आपका लीफ प्लांट्स का लीफ में जो एल्गी होता है वो पूरा खा लेता है। एंड आपका बालीटोरा जो है, बालीटोरा आपका स्टोन्स, आपका टैंक का ग्लास में जो एल्गी होता है, फिर स्टोन, ड्रिफ्टवुड, ये सब जो एल्गी होता है बालीटोरा वो एल्गी खाता है। अच्छा, इसका प्राइस क्या आएगा दादा? इसका पेयर आपका आता है 80 रुपीस पेयर आता है इसका। अच्छा, रिटेल में ना दादा? हाँ रिटेल में, अगर कोई थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी लेता है तो थोड़ा कम हो जाता है, रिटेल में ही कम हो जाता है, क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लेगा तो कम हो जाएगा। अच्छा, आपका ऑल ओवर इंडिया शिपिंग भी हो जाएगा? ऑल ओवर इंडिया शिपिंग होगा, होलसेल भी होगा, होलसेल में बेस्ट रेट मिलेगा आपको, होलसेल में बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा। तो जो भी शॉपकीपर्स है या फिर जो सेलर्स है, डू कॉन्टैक्ट, होलसेल में बहुत ही अच्छा रेट्स मिलेगा नेटिव का। ये दादा कौन सी गोल्ड फिश है दादा? ये आपका अपाचे गोल्ड फिश है, ये पूरा पूरी इम्पोर्टेड अपाचे गोल्ड फिश है, एकदम जंबो साइज, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आप देख सकते हैं, एकदम टेल का क्वालिटी आप देखिए। टेल का क्वालिटी देखिए जस्ट, एकदम आपका बटरफ्लाई टेल में है, बहुत ही अच्छा जंबो साइज में है ये, और पूरा जेट ब्लैक बॉडी, पूरा जेट ब्लैक बॉडी। अच्छा, इसका होलसेल रिटेल दोनों ही हो जाएगा दादा? अभी तो होलसेल का ज़्यादा निकल गया है, लेकिन हो जाएगा, अभी होलसेल रिटेल दोनों हो जाएगा, रिटेल के लिए हो जाएगा, होलसेल का क्वांटिटी भी उतना भी नहीं मिलेगा, लेकिन हो जाएगा। अच्छा, इसका साइज क्या आएगा दादा? ये तो अभी फुल बॉडी आपका 5 इंच 6 इंच तक तो हो ही जाएगा। अपाची है ना दादा? हाँ ये अपाचे है, ये थोड़ा साइज में बड़ा है, ये फुल बॉडी ब्लैक है, इसका आप टेल देख सकते हैं, इसका टेल से पूरा आपका हेड तक, हेड का जेली तक पूरा ब्लैक है, एनॉर्मस साइज, ये बहुत ही बड़ा साइज है, बहुत ही आपका टेल देख सकते हैं इसका, एकदम सुंदर और बटरफ्लाई में है एकदम आपका, और ये बहुत बड़ा साइज में है, ये बहुत बड़ा साइज है, बहुत बड़ा साइज में है ये। ये आपका ऑल ओवर इंडिया शिपिंग हो जाएगा ना दादा? हाँ ऑल ओवर इंडिया शिपिंग पॉसिबल है। ये कौन सी
ये मूंग पेस्ट लोच है और आपका ब्लैक पुली लोच है। ये प्लांटेड के लिए बहुत अच्छा फिश है। मूंग पेस्ट लोच एक यूनिक फिश है, आप देख ही सकते हैं इसका बॉडी शेप ही कुछ अलग ही है। और ये आपका नॉर्मल लोटेक टैंक में जो आपका वाइट सैंड से जो सेटअप रहता है ना, उसके लिए तो बेस्ट है क्योंकि ये सैंड में छुप जाता है। इसका सिर्फ सिर ही दिखाई देता है, बाकी बॉडी सैंड में छुपा हुआ रहता है, तो बहुत ही क्यूट लगता है। एंड लोचेस आर ऑलवेज क्यूट इन प्लांटेड टैंक्स। प्राइस क्या आएगा दादा रिटेल में इसका? इसका रिटेल प्राइस है आपका 60 रुपीज़। अच्छा। एंड ब्लैक कुली लोच का रिटेल प्राइस है आपका 30 रुपीज़। ये भी आपको ऑल ओवर इंडिया शिपिंग हो जाएगा? ऑल ओवर इंडिया शिपिंग हो जाएगा, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग, रिटेल होलसेल दोनों हो जाएगा, दोनों क्वांटिटी में मिल जाएगा आपको, रिटेल होलसेल दोनों सब में मिल जाएगा। आपको उम्मीद है ये वीडियो का माध्यम के आपको बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में ना तो सब्सक्राइब कर देना। एक लाइक एक सब्सक्राइब हमको बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से देखा होगा। बाय।